ये वाला सुनो, ये अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकर मेल स्पाइडर्स की तरह फीमेल्स को हिप्नोटाइज कर सकता है। बस भी करो यार। जो हुक्म स्पाइडर लॉर्ड। एमजे, हम दिन भर ऊपर नहीं रह सकते, नीचे बहुत पागलपन है। सही सुना दोस्तों, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब समझते क्यों नहीं, मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा है, उसे ड्रोन्स ने मारा है। वो ड्रोन्स जो तुम्हारे थे। जो भी हुआ, क्या तुम उससे जरा भी खुश नहीं हो? क्या मतलब? सब सच जान चुके हैं तो अब तुम्हें ना लोगों से झूठ बोलने की जरूरत है, ना किसी से छुपने की। देखो, मैं तुमसे तो छुपाना नहीं चाहता था, पर दुनिया को कैसे कहता कि मैं स्पाइडरमैन हूँ? अब तो सबको पता चल गया। देखो, मुझे मेरी परवाह नहीं है, पर मेरे लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि इसे ठीक कैसे करूं। तो पीटर, यहाँ आने की कोई खास वजह? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया सर। ओह प्लीज, हमने आधी दुनिया को साथ में बचाया, अब सर बोलकर शर्मिंदा मत करो। ओके, स्टीवन। सुनने में अजीब लगा, पर चलेगा। जब मिस्टीरियो ने मेरी पहचान से पर्दा हटाया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये सब कभी हुआ ही ना हो? स्ट्रेंज, उस मंत्र को मत पढ़ना, इसमें बहुत खतरा है। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा। ये पूरी दुनिया बहुत जल्द भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। क्या पूरी दुनिया? कुछ लोगों को छोड़ नहीं सकते? ये मंत्र इस तरह काम नहीं करता। मतलब एमजे और मेरे बीच जो कुछ भी हो सब कुछ भूल जाएगी? मंत्र से छेड़छाड़ करना बंद करो। प्लीज, नेट को तो छोड़ दो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो, आंट मे को तो आप नहीं। अपना मुंह बंद रखो। सब भूल गए क्या? हमने समय के साथ छेड़खानी की है। मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तकलीफ तुम्हारी दो अलग जिंदगियां जीने में है, क्योंकि ऐसा करने से खतरा और बढ़ता जाएगा। कुछ भी मांगने से पहले सोच लेना चाहिए पार्कर। हेलो पीटर।